नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A16 versus Realme 8S 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A16 में 6.45 इंच जबकि 8S 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है जो कि A16 से कम है। विड्थ की बात करें तो A16 में 2.98 इंच जबकि 8S 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है जो कि A16 से कम है। बात करें थिकनेस की तो A16 में 0.33 इंच जबकि 8S 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि A16 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A16 में 190 ग्राम जबकि 8S 5G में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A16 में 6.52 इंचेस जबकि 8S 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A16 में 720x1600 और 8S 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A16 में 82.88% जबकि 8S 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A16 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 8S 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A16 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और 8S 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A16 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 8S 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A16 में पावर GE8320 जबकि 8S 5G में माली G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A16 में MediaTek Helio G35 और 8S 5G में MediaTek Dimensity 810 मिलता है। बात करें RAM की तो A16 में 4GB की RAM मिलती है जबकि 8S 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो A16 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 8S 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A16 में अप टू 256GB जबकि 8S 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A16 में 3 कलर्स जबकि 8S 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 8S 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹19,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A16 में 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी 8S 5G की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 8S 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा इन्फिनिक्स नोट 7 है, तीसरा वीवो Y30 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M2 प्रो है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।